संसद पर हमले के 12 साल बाद अफजल गुरु को तिहाड़ जेल के सेल नंबर 3 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। शनिवार सुबह 8 बजे उसे फांसी पर चढ़ाया गया, बाद में उसे तिहाड़ जेल में ही दफना दिया गया। देश की संसद पर जघन्य हमले का वो मंजर जितना अचानक था उतना ही अचानक हुआ इसके मुजरिम का अंत। दिल्ली ने शनिवार को सुबह ठीक से आंखें भी नहीं खोली थीं, सूरज ठीक से निकला भी नहीं था। उसी दौरान राजधानी की हाई प्रोफाइल जेल में देश के इतिहास में सबसे दुस्साहसी आतंकी हमले के मुजरिम की जिंदगी का अंत हो गया। इस पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया। सुबह 8 बजे अफजल को फांसी दी गई। राष्ट्रपति ने अफजल की दया याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। इसके बाद पहले उसकी फांसी की तैयारियों की खबरें आईं और फिर उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। 4 फरवरी को उस फाइल पे मैंने सिग्नेचर कर दी और आगे की कार्रवाई करने के लिए भेज दी। 8 तारीख तय हो गई थी जुडिशियरी से और सुबह 8 बजे का टाइम भी तय हो गया था, तो 8 बजे आज सुबह तिहाड़ जेल में उनको फांसी दे दी। अफजल की फांसी की खबर फैलते ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अफजल गुरु को फांसी देने के पूरे ऑपरेशन के दौरान सरकार ने बहुत ज्यादा गोपनीयता रखी। ये सब कमोबेश उसी तर्ज पर हुआ जिस तरह कुछ समय पहले मुंबई हमले में पकड़े गए आतंकी कसाब की फांसी के वक्त हुआ था। इसी के साथ 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमले के साथ जो समय चक्र शुरू हुआ था उसका दी एंड 12 साल बाद हो गया। इसके लिए ब्यूरो रिपोर्ट।